कि जिसलै इलैक्शन आउंदी ऐ उसलै तुसें कोई कोई बावा फिरी जांदा जां हत्या लगी जांदी कि उत्तर बैनी साढ़ा ये सारे कोला उच्चा महत्व। सर आज जो जहां पर जनसंपर्क अभियान के तहत आप उत्तरवाणी में पहुंचे हैं इस पर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। आज यहां हमारे मुझसे आज से कोई एक पहले यहां के उत्तरवाणी के हमारी जो कमेटी है उन्होंने मेरे पास संपर्क किया था इस बात के लिए कि आप एक दिन उत्तरवाणी के लिए आएँ। तो आज उसी चक्कर में मैं आज इस इलाके से कमीला हो नगरोटा हो उत्तरवाणी हो तो इस सिलसिले में मैं यहाँ आया था और लोगों ने मेरा स्वागत किया जिसकी वजह से उन लोगों की एक ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और लोगों की मुश्किलात को सुनूँ। एक तो मैंने लोगों के बड़ी देर के बाद दर्शन भी किए और साथ में ये मंदिरों का हमारा एक प्राचीन उत्तरवाणी जो है एक बड़ा हमारा पवित्र स्थान है इस स्थान में हम दर्शन करने भी यहाँ आए और जिस सिलसिले में यहाँ लोगों ने हमारा बड़ा प्यार दिया और वेलकम किया मैं इन सब का शुक्रगुजार करता हूँ। एक सवाल और है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट है जो अंतरिम रिपोर्ट है उसको लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। कुछ ऐसा लगता है कि सांबा जिला के कुछ बॉर्डर के एरिया है जहाँ हाईवे के किनारे जो पंचायतें हैं दयानी व कटली उन लोगों के साथ कुछ भेदभाव हुआ है कि कटली और दयानी को रामगढ़ से मिलाया गया है और पंगदौर व बैनकलाड़ को काट कर सांबा से मिलाया गया। आज भी विरोध प्रदर्शन जो है रायपुरा में इस दौरान इस समय चल रहा है। देखिए जरूर यहाँ पे विरोध जो लोग करने का हक है लोगों को इस जमहूरियत के अंदर हर एक इंसान को बोलने का हक है। उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया होगा। जो हमारी यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन और जो मेंबर्स यहाँ आए थे उन्होंने सब पार्टियों से मशवरा लिया था और उसके मुताबिक उन्होंने ये जो है कॉन्स्टेंसी का परिश्रम जो किया तो लोगों की जो लोग डेप्यूटेशंस मिले थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी थी और जो उनको ठीक लगा उसके मुताबिक उन्होंने बात की है। अब किसी को अगर विरोध करना है या विरोध कर रहे हैं लोग जो मुश्किलात है जिनको या कोई परेशानी है तो उसके लिए भी प्रॉपर फॉर्म है कि उन्होंने 14 तारीख तक ऑब्जेक्शन देने के लिए कहा है तो ताकि वो अपने ऑब्जेक्शन दें। एक तरफ जहां परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद जगह जगह पर उसका विरोध हो रहा है वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया ने अपनी राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाते हुए आज वीरवार को अपना जनसंपर्क अभियान जो है उसे एक बार फिर शुरू कर दिया है और जनसंपर्क अभियान के तहत आज उन्होंने कंडी क्षेत्र के गांव कमीला व उत्तरवाहिनी का दौरा किया और लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को जाना और समस्याओं का समाधान का जो है वो यकीन दिलाया। और इससे पहले गुड़ा सलाथिया कमीला व उत्तरवाहिनी में पहुंचने पर पूर्व मंत्री सलाथिया का पार्टी कार्यकर्ताओं उनके समर्थकों व लोगों ने ज़ोरदार स्वागत किया और बैठकों के दौरान कमीला व उत्तरवाहिनी में जो उनके समर्थकों ने बैठकों का आयोजन किया था वहां पर उन्होंने लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं जो हैं वो जानी और उनके समाधान का जो है यकीन दिलाया। इस दौरान सलाथिया ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया व लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के लिए समर्थन मांगा। मुझे और मेरे सहयोगी राजू शर्मा को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।